Hey guys, welcome back to three. तो कैसे हैं आप लोग? So guys, आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसी वेडिंग. ये है रिवेंज कोल. रिवेंज गॉन रॉन्ग. ओके, और ये है राउंड टू हेल की. तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो. टू डेज ago. क्या रिया भाई तेरे रिश्ते का हो जाएगी ना तेरी शादी जन्म में? दहेज यार. अबे दहेज मांगते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बाप तुम्हें अपनी लड़की देता है उसके ऊपर से तुम दहेज मांगते हो? ये साले दहेज में गाड़ियां मांगते हैं और उनसे आग मूंदते हैं फिर. अबे इतनी औकात है तो तुम्हारी अपनी लेके दिखाओ. मुझसे उल्टा दहेज मांग रहे थे वो बहन चोद. अरे वसीम दहेज भी क्यों ना मांगे, क्वालिटी तो नहीं थी खराब है इसकी. अबे नाजिम मैं ये कह रहा कल एक लड़का इतनी बेहतरीन तरीके से सिगरेट पी रहा, तू नहीं पी सकता. अबे वो क्या पी रही होगा, मैं पी के देऊं छोड़ सिगरेट. अरे यार मजा नहीं आया नाजिम, मैं कह रही हूँ उसका अलग ही स्टाइल था. अरे मेरे कद्दू का स्टाइल है उसका. तू बता सिगरेट किधर से पीता है? यार जिधर से सब पीते हैं फिल्टर की तरफ से. मैं फिल्टर की तरफ से जलाता हूँ. मगर वसीम उस लड़के ने चार छल्ले बनाए मेरे सामने. ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक में हमें 5 छल्ले. मैंने 9 बनाए. मतलब 5 छल्ले ओलंपिक वाले रिक्वेस्ट करके लेके गए मुझसे. और बाकी के बचे 4? बाकी के 4 तेरे बाप ने दिए ओडी वालों को. वसीम लोंडे में टैलेंट तो है ही, जा सकता है इंडियाज गॉट टैलेंट में, लेकिन उस लड़के ने नाक में से धुआं निकाला था ये नहीं निकाल सकता. नाक से? मैं नाक से पी लेता हूँ मैं. मैं नहीं पी के दिखाइए. अरे जैन टैलेंट तो इस कदर है ऊपर वाले की रहमत से, घमंड नहीं करा कभी. 10 सिगरेट पीनी थी दिन में, 20 पी रहे हूँ आजकल बस. ये टैलेंट तेरे में. अरे पापा अंकल मार क्यों रहे हो? अरे 20 पिएगा छल्ले नाना छल्ले. अरे अंकल क्यों मार रहे हैं? ये तो पिया आज बंदे डिब्बी निपटाना है पूरी. हाथों के पिटवा रहे हैं. मार रहे हैं ये भी हाथ दिलवा रहा है. अरे अंकल ये तो छोड़ो, बाहुबली कितने तीर मारा एक बार में? 3. ये 4 डिब्बे एक बार में. अबे इसे छोड़ जल्द से जल्द. अंकल जग लो अंकल. अंकल सुनो तो सही, तुझे बताने की जरूरत नहीं है, घर पे बाल्टी रखी हुई है, भर भर के मारूंगा. अरे भैया बड़ा मारा रे. अबे एक बाल्टी भर के तो मारा, इतना थोड़ी मारा. एक बाल्टी भर के? अरे बाल्टी खत्म होने के बाद टंकी चला के मारा, पूरी रात टंकी चलाई है. ये साले उस चेन सेबी की कारस्तानी है, उसकी वजह से बैठा हूँ मैं. मेरे पास एक प्लान है. क्या था? हेलो हाँ जैन सेबी, वो तेरा रिश्ता ना होता ना रंड में तो मैं वो तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, तू 1 घंटे के अंदर तैयार मिल. माँ बाप आ रहे हैं लड़की के. अरे कहाँगे रिश्ते वाले, मुझसे बर्दाश्त ना हो रही यार. जब हम जाएंगे जब तो हम जाएंगे. अरे वो लड़की वालों की डिमांड है कि लड़के से अकेला मिलना चाहती है वो. तो मुझसे अकेला मिलो, निकलो यहाँ से. डांडू सही है, दफा हो जल्दी आ जाओ यार. ये है अपने दमाद, जीत रहो बेटा जीत. ये वाली टाइल्स किन्ने तोड़ी है ये? अंकल बैठ गई. संस्कार. हाँ क्या कर रहा है तू? हाँ अंकल वो आपने शोरूम देखा है नेक्सा का? हाँ लल्ला देखा है. जी सर मैं उसमें मैनेजर की पोस्ट में हूँ. उसका मैनेजर तो मैं हूँ. अरे अंकल वो बात सही है आपकी, उससे आगे वाला जो है मैं उसका हूँ. अरे उसका मैनेजर तो मेरा लौंडा है. अरे अंकल वो भी आपका, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो उन दोनों शोरूम के बीच में है ना वो शोरूम. अरे बेटी चौद, अरे उसकी मैनेजर मेरी बहू है. अंकल मेरी पूरी बात तो सुन लो, उन दोनों शोरूम के बीच वाले शोरूम के सामने जो छोले भटूरों का ठेला ना वो मेरा ही है. खासियत बता दो अपनी चल. अरे सर खासियत का आप क्या अंदाजा लगाएंगे, मैं इस देश में चलने वाले सबसे बड़े कंटेस्ट में कल ही जीता हूँ. कौन सा कॉन्टेस्ट जीता अभी तू? अरे सर वो फेसबुक DP कंटेस्ट सर, मेरी आरिफ के लोंडे से सीधी टक्कर थी. चॉकलेटी बॉय उर्फ हार्ट स्टीलर कलुआ ऐसी कुछ करके नाम था. मेरा ऑप्शन था ए, उसका ऑप्शन था बी. सर कुछ देर ए चले. अरे वाह बेटा वाह, अजी देख रहे हो कितने नेक काम है इसके. DP कॉन्टेस्ट जीता, मुझे यही लड़का चाहिए अपनी लड़की. अरे मेरी आइटम को पसंद तो मुझे पसंद, इसके नेक कामों ने मेरा दिल छीन लिया. कल बारात चाहिए मुझे चौखट पे. सही है ना? आओ आइटम आओ, ज्यादा इमोशनल हो रही हो. मैं माइकल जैक्सन, क्या आज रिकॉर्ड तोड़ देगा? इंतजाम कहाँ है मेरा? अरे यार वो घोड़ी तो घोड़े के साथ भाग गई. तो मैं काहे पे बैठूं? एक इंतजाम है भाई चलना तो.
साले आया भूसा भी के लिए आया गधा भी आता है इससे बढ़िया और यहाँ कोई है स्मार्ट तो लग रही हूँ वैसे इसको नजर ना लगे टीका ला अरे वसीम मजा नहीं आ रही है मुझे यार यो घोड़ी के आगे से बच्चा बैठे हुआ होता है ना यहाँ बैठाना चाहिए हमें अरे तेरी बहन का कुत्ता मार और भी डाले बच्चा ही नहीं आगा बहू मेरा कद्दू रे शादी मेरे दोस्त के साथ मैं फाइट करना पारी अरे अरे कैसे उड़ाए अरे अरे बेइज्जती करवा इतना 25 लूट ली मेरे सोने और ये दूल्हा है तू तेरी अपनी बारात में पैसे लूटेगा बेइज्जती करवा रही आ जा आ जा अरे अरे आ सरे आ जा आ जा बारिश का वो पैसा की पा रहे अरे दूल्हा अब पूरा 100 का नोट बन जाएगा मेरा अब मैं 1 रुपया रह गया अबे सालों 6 घंटे से पूरे नाग बने पड़े हो तू नहीं बताऊं अरे बस कर बहू लेना आए नागमणि अरे रे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी चल बहू कहां है हमारी नागमणि ले चलो अरे अम्मी एक गिलास हल्दी का दूध ले जल्दी से मेरी जान पलंग तोड़ूंगा आज तो यहाँ तो पलंग है ही ना अरे गद्दे ही फाड़ दूंगा उठा करोड़ों रुपया तुझे पता ही है लेकिन मैं स्लाग रात तो फिर भी मनाऊंगा दोस्तों यार अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसको यार इतना शेयर करो बेहिसाब और अगर आप नए हो आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे बटन है सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करिए और अगर पुराने हो और सब्सक्राइब किए हुए हो तो यार वो बेल आइकन को प्रेस कर दो बेल आइकन दबा दो यार कोई वीडियो मिस नहीं होगी ठीक है लाइक कमेंट भी करो कमेंट में बताओ कैसी लगी इनकी ओल्ड वीडियो थी लेकिन इसमें बहुत थी सही बात है और उसमें था भी नहीं कोई शादी में उसके बस वो दोनों ही थे बस और वो ही डांस करते रहे वही उसको ले घोड़ी कैसे थे उसकी घोड़ी जो स्कूटर आगे से भी टूटा हुआ और वो खुद ही सिक्के उठाने जा रहा है और शादी देखा नहीं क्या उसमें सहरे में कैसी मालाएं टंग रही थी चप्पल पहन के शादी में जा रहा और जो उसके पापा है ना वो बार बार हाथ धो के एक चाटा मारता है वो गिलास दे रहा था बार बार हाथ धो के मारते है ना वो हाथ धो के ताकि गंदगी ना लगे वो गंदे हो जाते ना मार के फिर उसके द्वारा हाथ धोते हैं तो वीडियो बहुत मजेदार थी इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और तब तक रखिए अपना ख्याल बाय बाय